एक मिनट दे दीजिए, आप भी माइक लगा रहे हैं। अब फिर से पूछिए। देखिए मथुरा में हम लोग खड़े हैं, लोकदल के कार्यकर्ता मथुरा के बहुत उतावले हो रहे होंगे। आपके मीडिया के माध्यम से एक संदेश जाएगा, हमारे दल के सभी विधायक गण यहाँ मथुरा आए हैं, महत्वपूर्ण हमने बातचीत किए हैं जो आगामी राज्यसभा चुनाव है उस संबंध में, और सभी विधायक एक मत पार्टी के निर्णय के साथ इधर जा रहा है रालोपुर। अभी सवाल पूछने का मुझे लग नहीं रहा, कोई मसालेदार सवाल पूछो, ये तो तय हो चुकी बात। ये तो सर्वविदित हो गया। इंडिया में तो नहीं हम, इंडिया छोड़ने का प्रमुख कारण बताएंगे जब। नहीं ऐसी कुछ ऐसा हमें, मुझे कोई जानकारी अब तक प्राप्त नहीं हुई। वहाँ यूनिट से हम पूछेंगे, कोई भी लोकदल का व्यक्ति, चलो हमारी पार्टी नहीं है, बहुत जल्दी होगी और ये सारे जो निर्णय हैं ये औपचारिक घोषणा के बाद ही इन बातों पे हम चर्चा कर पाएंगे। जो आपने पूछा कि क्या कारण है इंडिया से हम क्यों बदले, आगे हम क्या करना चाहते हैं, कितनी सीट पे हम लड़ेंगे, ये सारी बात तब तय। राहुल गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश में यात्रा पर हैं, मथुरा से सीट कोटे में जाएंगे, गठबंधन में जाएंगे या गठबंधन मथुरा मथुरा वासियों के साथ रहेंगे। राहुल गांधी यात्रा पर हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, किस तरह से देख रहे हैं उनकी यात्रा को? मेरी शुभकामनाएं उनकी यात्रा को, यही कहूंगा मैं। पहले तीन लड़के साथ हुआ, बाकी यहाँ आगरा मथुरा में ना कह दें कि यहाँ भी सब शराबी हैं। आगामी जो लोकसभा चुनाव है, क्या उसमें जिस तरह से संज्ञान लगाया जा रहा है कि मथुरा से आप चुनाव में जाने आने की संभावना है, ऐसे ही ऐसा कोई निर्णय मैंने इस संबंध में कोई सोचा भी नहीं, ना ऐसा कोई निर्णय हमने लिया है, और जब घोषणा हो जाएगी गठबंधन की तब सीट वाइज हम बात करेंगे। लोगों में चर्चा ये भी है, लोगों में चर्चा ये भी है कि जयंत चौधरी जिस सरकार के खिलाफ धारते थे और आज उसी की पॉलिसियों को अपना रहे, कुछ तो हृदय परिवर्तन हुआ है, और सरकार और विपक्ष के बीच में एक जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि सरकार की कमियों को उजागर करना, वही हमारी नैतिकता थी। जब हम सरकार के साथ शामिल होंगे, एनडीए में शामिल होंगे, तब अंदरूनी तौर पे जो कमियां होंगी उनको उजागर करते रहेंगे, अपने मुद्दों को आगे रखते रहेंगे, और सार्वजनिक तौर पर मजबूत कैसे हो गठबंधन उस पर विचार करेंगे। क्या हल निकलना चाहिए, बातचीत कई दौर की हो चुकी है, पिछली बार बहुत लंबा समय एक आंदोलन चलता रहा और सरकार और किसान के बीच में उस प्रकार का संवाद स्थापित नहीं हो पाया। कुछ ही दिन में आपने देखा कई बार बड़े बड़े मंत्रियों को वहां भेजा गया है, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को भी बैठक में शामिल किया गया, तो ये सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं, विभिन्न राज्य के जो है सरकारों से भी राय ली जा रही है कि किस तरह से हल निकाला जा सकता है। क्या आप मानते हैं कि जाटों को संगठित करने में, एकत्रित करने में आप विफल रहे, इसलिए आपको भारतीय जनता पार्टी का लोकदल लोकदल जाटों की पार्टी नहीं है? मैं इस बात को दोहरा दोहरा के थक चुका हूं और फिर मेरी बात को काट के अलग अलग ढंग से दिखाई जाती है। हम किसानों के, मजदूरों के और नौजवानों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम मेहनत करते हैं। किसानों से अगर बातचीत के लिए आपको भेजा जाएगा तो जाएंगे? बिल्कुल, मैं उसके लिए मध्यस्थता के लिए तैयार हूँ, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाए। खिलाफ आप थे लेकिन अमीरों का क्या होगा? देखिए जो 10 साल में हम विपक्ष में थे, किसी भी योजना को उठा के देखेंगे, प्रखर जिस मुद्दे का विरोध हमने किया था, सभी राजनीतिक दलों में सबसे पहले लोकदल के कार्यकर्ता सड़क पे थे, जनहित के मुद्दों को उठाते थे, और उसी भूमिका में आप हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करते देखेंगे। हो गया भाई, क्या करोगे पवन? भर्ती परीक्षा को लेकर क्या करेंगे? आश्वासन दिया 6 महीने भर्ती परीक्षा होगी, रद्द हुई है, क्या कुछ कहेंगे? सरकार दावा कर देती है नकल माफी आने होगा, लेकिन नकल माफी। देखिए ये संवेदनशील निर्णय लिया है, मैं धन्यवाद देता हूँ योगी जी को, नौजवानों ने बहुत बड़े स्तर पे जो कमियां थी उनको उजागर किया, और जो धांधलियां अनियमितताएं थी उनको, उन पे प्रकाश डाला, और सरकार ने उनकी बात को माना। यही लोकतंत्र में होना चाहिए, संवेदनशील सरकारों को इसी तरह से फैसले लेने चाहिए,
और मैं उम्मीद करता हूं जल्द इन चीजों का निस्तारण हो और दोबारा जो है प्रक्रिया को चालू।